की तरफ रुख करते हुए बता दें कि यूआईटी एक्शन कमल मीणा अब मामले में खुलासा लगातार होता हुआ नजर आ रहा है और ये बड़ा खुलासा करते हुए बताते चले कि 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट एक्शन मीणा के पास थे। ये भी बताया जा रहा है कि विश्व स्तरीय से लेकर चंबल रिवर फ्रंट भी कमल मीणा के पास ही ये सारे प्रोजेक्ट थे। 83 कमरों का हॉस्टल बना रखा था और काम को बीच में अधूरा छोड़कर ही दूसरे नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में ले लेते थे। उसके बाद से एसीबी को जांच में कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं और साथ ही 29 कॉमर्शियल भूखंड भी हाथ लगे हैं, जिसमें आपको ये भी बता दें कि एक्शन मीणा अपने नाम के साथ साथ पत्नी और बच्चों के नाम से भी कई ऐसे भूखंड ले रखे थे। साथ ही सोना चांदी के आभूषण भी एसीबी को मिले हैं, 1.5 किलो चांदी, तमाम ऐसे सोने के आभूषण भी हाथ लगे हैं एसीबी को। कमल मीणा के आवासों पर दस्तावेज की जांच चल रही है एसीबी के द्वारा और जांच में कई बड़े स्तर पर काली कमाई मिलने का अंदेशा बताया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक्शन मीणा की संपत्ति से ज्यादा उनके पास संपत्ति नजर आ रही है और इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कोटा से बड़ी खबर बता रहे हैं, एक्शन मीणा पर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है, एसीबी के हाथों क्या क्या पुख्ता सबूत लगे हैं और अभी ये जांच कहां तक जाएगी? देखिए, कमल मीणा जो यूआईटी के एक्शन है, यूआईटी के इंजीनियर है, अकूट संपत्ति काली कमाई के मालिक निकले हैं। कई सारे आरोप जिसमें सख्ती से हुई एसीबी ने, जयपुर एसीबी की टीम ने शिकंजा कसा, तीन अलग अलग जगहों पर कार्रवाई को इसका अंजाम दिया। घर की बात करें तो घर पर कार्रवाई की गई, यूआईटी का दफ्तर है इसमें कार्रवाई की गई और इन सबके साथ 12 रोड पर जो दफ्तर है उस पर कार्रवाई की। इन सबके बीच में जब सर्च ऑपरेशन चला तो आपको बता दें कि 37 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 29 परिजनों के अलग अलग नाम से जो व्यावसायिक और जो एग्रीकल्चर फंड है वो उसके दस्तावेज जो है वो मिले हैं। सबके बीच में फिलहाल इस कार्रवाई है जो लगातार जारी है। मौके तौर पर माना जा रहा है कि अभी कई और जो तथ्य है वो सामने आ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कई सारी जो है वो निकल करके आ सकते हैं और जो काली कमाई है उसका उसे उजागर किया जा सकता है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें करोड़ों की काली कमाई का मालिक ये एक्शन निकला है। निश्चित तौर पर अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि कोटा में डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन दिनों में आए और बड़ी बात यह कि चंबल रिवर फ्रंट जो कि करीब करीब 1500 करोड़ की लागत से तैयार हुआ उसका काम भी कमल मीणा के पास था। कोटा शहर में डेवलपमेंट के कई जो बड़े प्रोजेक्ट थे उनका काम कमल मीणा के पास था और ऐसे में एसीबी का शिकंजा कमल मीणा के ऊपर कस चुका है और अब तक करोड़ों की काली कमाई उजागर हो चुकी है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है तो माना जा रहा है मौके तौर पर कि कई और बड़े खुलासे जैसे जैसे एसीबी का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उसके साथ में होंगे और काली कमाई उजागर होगी। हिमांशु, क्योंकि विश्व स्तरीय के साथ चंबल रिवर फ्रंट और 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके पास था, बीच में प्रोजेक्ट को छोड़ देते थे, किन और बड़े नामों का इसमें आप संलिप्तता क्या मिल पाई है, कुछ आधार मिल पाया है? देखिए, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कई बड़े प्रोजेक्ट इनके पास थे और जब कमल मीणा के ऊपर शिकंजा कसा है और इतनी बड़ी काली कमाई हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे थे और अब अनूपगढ़ के